वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो हम आ चुके हैं अपने चौक पे, ये बच्चा का वीडियो बनाने। ये बच्चा मेरे ही गांव का है और ये काफ़ी दिनों से दुकान लगाता है मेरे ही चौक पे। ये दुकान इसी का है, ये लगभग 14 या 15 साल का होगा। बहुत दिनों से देख रहे थे इसको, हम सोचे कि कब वीडियो बनाए इस पर, कब बनाए। तो आज हम आ चुके हैं इसका वीडियो बनाने, चलिए शुरू करते हैं। तो इसने रख दिया है 3-4 प्याज के टुकड़े हैं और 2-3 मिर्च भी होंगे। और इसका ये मशीन है प्याज काटने वाला, काफ़ी अच्छा है, मुझे भी देखकर बहुत अच्छा लगा कि इसे हाथ से काटना नहीं पड़ता होगा। यहाँ देखिए बहुत शानदार, एकदम बढ़िया काटता है ये मशीन, काफ़ी अच्छा। देखिए यहाँ पे हमारा प्याज पूरा कट चुका है। अब हम बनाएंगे ऑमलेट, ये बच्चा बनाएगा ऑमलेट अब हमारे लिए। और ये देखिए प्याज आ चुका है हमारा, ये हमारा अंडा टूट चुका है। अब इसमें रखाएगा प्याज, नमक थोड़ा सा, और ये देखिए आ गया हमारा चाट मसाला। ये बच्चा बोल रहा था कि हम अपने घर पे ही बनाते हैं चाट मसाला। ये छोटे से डब्बे में रखा हुआ है, अब ये बच्चा इसको मिलाएगा बढ़िया से और हमारे लिए ये बहुत अच्छा ऑमलेट बनाएगा। और ये देखिए गैस बढ़ा दिया, और अब ये रखेगा इस छोटे से कलछुल में हमारे लिए, ये बन रहा है। आइए आप लोगों को करीब से दिखाते हैं कैसा दिख रहा है। अब देखिए लगभग लगभग हमारा तैयार हो चुका है ऑमलेट। ये छोटा सा, इसे ऑमलेट या कोच भी कहते हैं, देहाती भाषा में कोच ही कहा जाता है। तो ये देखिए कैसा फूल चुका है कोच, दिखने में कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लगभग अब तैयार हो चुका है हमारा ऑमलेट, तो चलिए खाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।